जब हम हाथ से रिलीज करते हैं तो इंसान को खुद को अंदाजा हो जाता है कि ये हमारी थ्रो निकल गई है और ये नहीं निकली। और मेरे ख्याल में उस वक्त मेरी बॉडी से थ्रो कोई भी नहीं निकली। मैंने तो फुल कोशिश की है लेकिन निकली नहीं है। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि वो निकली क्यों नहीं है, या हमारी किस्मत में नहीं था गोल्ड। नीरज चोपड़ा भाई ने अलहमदिल्ला गोल्ड जीता है, तो समझ ले कि हम एशिया में वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट सेकंड आए हैं। तो उन्होंने गोल्ड जीता, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कभी वो गोल्ड हो गया, कभी मैं हो गया, शायद मैं ही होता रहूं गोल्ड, शायद वो होते रहे गोल्ड। मेरा जो इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था 2016 में इंडिया गुवाहाटी में उनकी कंट्री में हुआ था, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो उस वक्त नीरज भाई ने भी गोल्ड जीता था, मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो तब से हमारी फिर हलो हाई हुई है। तो हमारा माशाल्लाह फिर जैसे जैसे हमने कंपटीशन खेले तो ऐसा ऐसा हमारी दोस्ती भी बढ़ती गई। तो माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी खासी दोस्ती है। तो बाकी उनकी वालदा ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंग्रेचुलेशन बोला है, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मेडल जीता तो मेरे लिए वो भी दूसरा मेरा बेटा है। तो ये देखें कि ये यही चीज़ें जो है ना इंसान को आगे लेके आती हैं। तो इस तरह की आपकी पॉजिटिव सोच हो तो मेरे ख्याल में ये जो बातचीत होती रहती है सोशल मीडिया पे कि इंडिया ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, तो यही चीज़ें हैं जो इंसान को क्लोज लेके आती हैं। मेरी तरफ से उनकी फैमिली को, बल्कि उनके पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक। जैसे कंपटीशन ख़त्म हुआ है तो मैं बस उधर ही बैठा हुआ था। आपको पता है कि सामान वगैरह, स्पाइस वगैरह और भी चीज़ें थी, तो बस वही मैं बैग में डाल रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो ये चीज़ें मैं सारी रख के तो फिर जाके फ्लैग पकड़ता हूँ। फ्लैग उधर ही था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हुआ। जैसे मैं उधर गया हूँ, जाते साहब ज़रा फ्लैग थोड़ा सा दूर था, तो मैं जब पहुँचा उनके पास तो मैंने फिर पिक्चर खिंचा ली। पिक्चर मैंने बनाई है, उसके फ़ौरन बाद फिर जो है ना मैंने फ्लैग पकड़ा है, फिर मैंने पूरे ग्राउंड का जो है ना वो चक्कर लगाया। तो अगर देखा जाए प्रेशर तो होता है साफ ज़ाहिर, एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना और वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जाके खेलना, प्रेशर तो बिल्कुल होता है। लेकिन ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया के भी प्लेयर्स आए थे, पूरी दुनिया के आए हुए थे। मतलब आपका टॉप का मुकाबला इंडिया के प्लेयर के साथ? नहीं, अगर देखा है तो मेरा मुकाबला होता है अर्शद नदीम के साथ। मैं नहीं सोचता कि मैंने उनसे जीतना है, उनसे जीतना है। मैं यही सोचता हूँ कि अगर अर्शद नदीम ने 90 प्लस की है, 90.18 की है, तो अर्शद नदीम की कोशिश होती है 90.19 करे। पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में ग्राउंड नहीं है एथलेटिक का। एक तो ग्राउंड हमारे पाकिस्तान में एथलेटिक का होना चाहिए जहाँ पे हमारे जो एथलीट्स हैं वो आगे ट्रेनिंग करें। और दूसरी बात जो है वो हमारे पास वर्ल्ड लेवल के जैवलिन नहीं है। एक मेरे पास जैवलिन है लेकिन उससे काम नहीं चलता। इवन कोई आपके पास कोई 8-10 जैवलिन हो तो ताकि आपकी जो ट्रेनिंग है उसको बेहतर हो सके, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल अगर मिल जाएं तो उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में रह के भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। लेकिन कोचिंग की भी ज़रूरत है मुझे इंटरनेशनल। नीरज चोपड़ा भाई की माशाल्लाह हर तरीके से उनको वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो हमारा देख लें कि हुकूमत कर तो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे हमें फैसिलिटीज़ किया जाए, जैसे कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग कर सकें, क्योंकि आगे ओलंपिक्स भी आ रही है। और मुझे खुशी होगी कि
जो मैं इंशाल्लाह गोल्ड जीतूं, और मेरे जो इंडिया वाले हमसाए हैं नीरज चोपड़ा भाई भी कोशिश करें कि चलो वो भी हमारे साथ जो विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हों। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जो मेहनत करेगा अल्लाह ताला फल उसको देगा।